सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का फैट होता है। हमारे बॉडी में इसके कई सारे इम्पॉर्टेंट रोल्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो ये है कि वो हमारे शरीर में हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में वो हेल्पफुल रहता है, जैसे कि ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में वो एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कोलेस्ट्रॉल की मदद से ही बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल की मदद से ही हमारे लीवर में बाइल एसिड फॉर्म होता है। बाइल एसिड जो रहता है ये हमारे खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। चौथा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, आप सबको पता है हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। जो सेल होते हैं वो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट उसका पार्ट होता है। उस कोलेस्ट्रॉल के कारण ही सेल जो रहते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, तो वहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसीलिए हमारा जो लीवर होता है वो हर रोज़ करीब 1000 मिलीग्राम का कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, ताकि शरीर के जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली हो सके। शरीर में दो लिपोप्रोटीन्स हैं। पहला होता है, वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन मेजर दो हैं, एक है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल। दूसरा होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है या फिर उसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। करीब करीब 70% जो आपका कोलेस्ट्रॉल है उसको कैरी करने का काम हमारा एलडीएल करता है। एलडीएल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को पकड़ता है और सेल जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं और जिस जिस जगह पे कोलेस्ट्रॉल को भेजना है वहाँ पर एलडीएल उसको लेके जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल एक्सेस हो गया है सेल को यूज़ करने के बाद, तो वो जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है उसको एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पकड़ता है और फिर वो उसको लीवर के पास छोड़ता है। लीवर के पास उस जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसका वो डिस्पोजल हो सके और वो बॉडी में से एक्सक्रिएट हो सके। इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस एक्चुअली हमारे बॉडी में बना रहता है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हम हाई कोलेस्ट्रॉल वाले फूड को खाते हैं। सबसे पहली बात तो ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि कोलेस्ट्रॉल आपको किन फूड आइटम से मिलता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमें बेसिकली एनिमल फूड प्रोडक्ट से ही मिलता है। किसी भी वेजिटेबल फूड से कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। एनिमल फूड आप जो भी लेते हैं उसके थ्रू ही आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। कौन कौन से कोलेस्ट्रॉल के सोर्स है, आप अगर मीट ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं, बीफ ले रहे हैं या फिर कोई भी एनिमल आप मांस ले रहे हैं उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। अंडा में भी कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, दूध में भी कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। जो भी चीज़ें एनिमल थ्रू आई हैं, एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट्स हैं, उनमें ही हमको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। कोलेस्ट्रॉल अभी कैसे बढ़ गया बॉडी में, अगर हम ज़्यादा मात्रा में डीप फ्राइड के फूड खा रहे हैं, मान लीजिए कि एनिमल फूड को ले रहे हैं, तो उससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसी तरह अगर मान लीजिए हमारा एक्टिविटी अच्छा नहीं है, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, दिन भर बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं रहता है, तो उस मोमेंट में शरीर में जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होती है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो रहती है वो बढ़ना शुरू होती है। जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ती है तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि हमारे जो आर्टरीज होती हैं, जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, रक्त नलिका होती है, उसमें जाके कोलेस्ट्रॉल को वहां पे जाके वो उसको डिपॉजिट करने लगती है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक तरल टाइप का चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि हमारे जो आर्टरीज में जाकर वो चिपकना शुरू होता है। ये काम कौन करता है, एलडीएल करता है। जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, यानी मान लीजिए स्ट्रेस आपका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, या तो पैसिव स्मोकिंग हो रही है या फिर एक्टिव स्मोकिंग हो रही है, अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। आप स्मोक नहीं कर रहे हैं लेकिन बगल वाला, आजू बाजू वाला कोई स्मोक कर रहा है और उसका धुआं आप इनहेल कर रहे हैं तो भी उससे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो सकता है। मास फैट्स बहुत ज़्यादा है तो भी हमारे बॉडी के अंदर उससे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के कारण से हमारे आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जमा रहता है वो कड़ा हो जाता है। जब वो कड़ा हो जाता है तब जाकर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तब उस मोमेंट में हमारे जो रक्त नलिका होती है उससे रक्त का प्रवाह सही ढंग से नहीं हो पाता है, खासकर हमारे दिल के नसों के पास और ब्रेन के नसों के पास जो होती है रक्त की जो प्रवाह होती है वो सही ढंग से नहीं हो पाती है, जिसके कारण से स्ट्रोक और हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस इससे बढ़ती हैं। शरीर में एक बात को आपको ध्यान रखना है कि आपका जो
HDL कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। HDL एक ऐसी चीज़ होती है जो कि जो कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज के पास जा रहे हैं उनको वहाँ से वो निकालता है और लीवर के पास भेजता है, वहाँ पे लीवर पे वो जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसका डिस्पोजल होता है और वो शरीर से बाहर होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी चीज़ों को अपने डाइट में ज़्यादा मात्रा में ऐड करना चाहिए जिससे कि जो आपका HDL कोलेस्ट्रॉल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है उसकी जो लेवल है वो बढ़ सके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है हमारे शरीर को फिट रखने के लिए, हार्ट डिसीज को अवॉइड करने के लिए। अभी मैं ब्लड टेस्ट कराते होंगे तो आप उसमें देखते होंगे TG लिखा रहता है। ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये भी एक टाइप का फैट होता है, ये भी हमारा लीवर उसको बनाता है। बात करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड हमको मिलता कहाँ से है। ट्राइग्लिसराइड हमको एनिमल फूड से भी मिलता है और वेजिटेबल फूड से भी मिलता है। इन दोनों चीज़ों से हमें ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमको एनिमल फूड आइटम से ही मिलता है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ता कैसे है? जब हम शुगरी फूड को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, जैसे सोडा हुआ, शुगर हुआ, स्वीट्स हुआ, एल्कोहल, इन सभी के थ्रू हमारे शरीर में जो ट्राइग्लिसराइड है वो बढ़ता है। खासकर मैदा और ट्रांस फैट फूड ये भी जो होते हैं ये भी ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं। और इसके साथ ही साथ आप हाई कोलेस्ट्रॉल वाले एनिमल फूड को भी खाते हैं तो उससे भी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड की जो लेवल होती है वो बढ़ती है। प्रोफाइल कराइए तो ये एक छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है। इसमें जनरली वो क्या करते हैं कि हमको कहते हैं कि आप 12 घंटा का फास्टिंग करना है। 12 घंटा के फास्टिंग में एक बात को ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके का चाय नहीं पीना है, कॉफ़ी नहीं पीना है, कोई भी पानी को छोड़ के किसी भी चीज़ को, ना ही नींबू का रस, ना ही एप्पल साइडर विनेगर, कुछ नहीं पीना है। सिर्फ पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ पानी पीना है और इसके बाद आपको आपका सीरम लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाना चाहिए। इस जब टेस्ट होती है तो इसमें कई सारे वैल्यूज़ आते हैं, तो उन वैल्यूज़ के बारे में मैं अभी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल की। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे कम है तो ये नॉर्मल रेंज में आता है। वहीं अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 200 टू 239 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है तो ये बॉर्डरलाइन हाई रेंज में आता है। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे ऊपर है तो ये हाई रेंज में आता है। अब बात करते हैं LDL कोलेस्ट्रॉल की, या फिर इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। अगर LDL कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे कम है तो ये नॉर्मल रेंज में आता है। अगर LDL कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 100 टू 129 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है तो ये नियर टू नॉर्मल रेंज में है। अगर LDL कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 130 टू 159 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है तो ये बॉर्डरलाइन हाई रेंज में आता है। अगर वैल्यू 160 टू 189 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है तो ये हाई रेंज में आता है। वहीं अगर LDL कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इसके ऊपर है तो ये वेरी हाई रेंज की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल की। तो HDL कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारा शरीर के लिए अच्छा है, हमें हार्ट डिसीज से वो प्रिवेंट करके रखता है। अगर HDL कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास है तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। वहीं अगर HDL कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे कम है तो इससे हार्ट डिसीज होने के रिस्क जो है वो बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल की। अगर ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे कम है तो ये नॉर्मल रेंज में आता है। अगर ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू 150 टू 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है तो ये बॉर्डरलाइन हाई रेंज में आता है। वहीं अगर वैल्यू 200 टू 499 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इसके ऊपर है तो ये हाई रेंज में आता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें फाइबर रिच फूड आइटम्स को अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। अभी मैं आपको डाइट कुंडली ऐप के बारे में जानकारी दूंगी। इस ऐप की मदद से आप किसी भी रेसिपी का न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि फ्लैक्सीड का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए डाइट कुंडली ऐप के पास जाना है। जैसे ही ऐप खुलेगा माई रेसिपी माई न्यूट्रिशन में जाना है। यहाँ पर हमको चाहिए फ्लैक्स सीड का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हमें लिखना है फ्लैक्स सीड और सर्विंग 1। ऐड इंग्रेडिएंट में मैं लिखूँगी यहाँ पर फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड को अलसी भी कहा जाता है, देखिए अलसी आ गया। उसके बाद वेट जो है मैंने यहाँ पे 10 ग्राम का वेट जो है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू मुझे चाहिए, सो मैं यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर रही हूँ तो ये आ गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह रेसिपी का नाम है फ्लैक्स सीड शेयरिंग पीपल 1 है। एनर्जी 10 ग्राम के फ्लैक्स सीड में मुझे 53.40 कैलोरीज का एनर्जी मिल रहा है।
प्रोटीन 1.83 ग्राम मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 2.89 ग्राम मिल रहा है, फैट्स 4.22 ग्राम्स मिल रहा है, फाइबर 2.73 ग्राम्स मिल रहा है। फाइबर इसमें काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है और काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिल रहा है। बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो काफ़ी कम अमाउंट में है। कैल्शियम 25.50 मिलीग्राम है। अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ओमेगा 3 पे देखिए, ओमेगा 3 2.81 मिलीग्राम है, यानी करीब करीब 2 ग्राम का ओमेगा 3 फ्लैक्स सीड्स के 10 ग्राम में मिल रहा है। ये है पूरा फ्लैक्स सीड्स का एक्चुअली न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन।